देखिए, जब भी हमें कोई बीमारी या फिर हेल्थ इश्यू होता है तो उसके कारण को जानने के लिए डॉक्टर टेस्ट कराते हैं, लेकिन कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जो कि हम बिना किसी बीमारी होने पर भी करा सकते हैं और हमें कराना भी चाहिए। तो आज की वीडियो में हम उन्हीं टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने टेस्ट को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। नंबर 1 टेस्ट फॉर डायग्नोसिस, नंबर 2 टेस्ट फॉर प्रोग्नोसिस एंड नंबर 3 टेस्ट फॉर प्रिवेंशन। तो पहले हम बात करते हैं टेस्ट फॉर डायग्नोसिस की। ये ऐसा टेस्ट होता है कि जब भी किसी को कोई प्रॉब्लम होती है या हेल्थ इश्यू होता है तो उसका पता लगाने के लिए किया जाता है। इसे हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ पर एग्जांपल नंबर 1 है। मान लीजिए किसी के पेट में दर्द है और उस दर्द में उसे आराम नहीं मिल पा रहा है, तो उस दर्द के कारण का पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड कराया जाएगा और कारण जानने के बाद मरीज का इलाज किया जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, यदि किसी को बुखार आ रहा है या फिर बुखार के साथ साथ में उसे दूसरे सिम्टम भी आ जाते हैं, जैसे कि बदन दर्द, खांसी, जुकाम आदि, तो ऐसी स्थिति में हम बुखार का कारण जानने के लिए कंप्लीट ब्लड काउंट या फिर CBC करा सकते हैं। इसके साथ में हम विडाल टेस्ट भी करा सकते हैं। विडाल टेस्ट से हम ये जान सकते हैं कि मरीज को टाइफाइड तो नहीं है। तो इस तरह के टेस्ट डायग्नोसिस के लिए कराए जाते हैं। अब बात करते हैं हम टेस्ट फॉर प्रोग्नोसिस। तो ये क्या होता है, जब किसी को कोई प्रॉब्लम या डिसीज हो चुकी होती है तो उसका टेस्ट कराया जाता है, लेकिन मरीज का इलाज करने के बाद या ट्रीटमेंट के दौरान हम उसका दोबारा टेस्ट कराते हैं, जिससे हम यह जान सकते हैं कि मरीज को कितना आराम मिल रहा है। तो इसे भी हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल है, यदि किसी को डेंगू हो जाता है तो उसके प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स की नॉर्मल वैल्यू 1.5 से 4 लाख होती है, पर डेंगू में यह काफी कम हो जाती है। तो जब हम डेंगू के मरीज का पहली बार टेस्ट कराते हैं तो प्लेटलेट्स की संख्या कम आती है। फिर हम मरीज का ट्रीटमेंट करके दोबारा से टेस्ट कराकर यह जान सकते हैं कि मरीज को कितना आराम मिल रहा है। तो इस तरह के टेस्ट कराकर हम मरीज की बीमारी की वर्तमान स्थिति को जान सकते हैं। अब बात करते हैं हम टेस्ट फॉर प्रिवेंशन के बारे में, यानी कि ऐसे टेस्ट जो हम बिना कोई बीमारी होने पर करा सकते हैं। देखिए, बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम होती है जो कि हमारे शरीर में हो जाती है पर हमें उनके बारे में पता नहीं चलता है, या फिर जब तक पता चलता है तब तक वह प्रॉब्लम काफी बढ़ चुकी होती है। लेकिन हमारी बॉडी पहले ही कुछ साइन एंड सिम्टम्स शो कर देती है जिससे हम अपनी प्रॉब्लम के बारे में जान सकते हैं। तो साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं और वो हमारी बॉडी पर कैसे शो होते हैं, उसके बारे में हम पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप उसे देख सकते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी बीमारी है जो कि आज के समय में बहुत कॉमन है और उनकी जांच आपको कराते रहना चाहिए। डायबिटीज, थायराइड, किडनी एंड गॉल ब्लैडर स्टोन, हाइपरटेंशन, एनीमिया, हाई कोलेस्ट्रॉल एटसेट्रा। तो ये ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपको हर घर में देखने को मिल जाती है। यदि हम इनका पहले से ही पता लगा लेते हैं तो हम इन्हें आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि आपको टेस्ट कब कराना चाहिए। तो यहाँ पे हम 2 तरह के लोगों की बात करेंगे। नंबर 1, ऐसे लोग जिनका लाइफस्टाइल काफी अच्छा होता है, यानी कि जो अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखते हैं और जिनका वेट भी मेंटेन है, यानी कि उनका वेट भी बढ़ा हुआ नहीं है, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों को हर 6 महीने बाद अपना टेस्ट कराना चाहिए। तो इसके लिए आप फुल बॉडी चेकअप करा सकते हैं। फुल बॉडी चेकअप में आपको कंप्लीट ब्लड काउंट, KFT, LFT, फास्टिंग एंड TSH, ये सभी टेस्ट कराने चाहिए। और USG आपको पूरे पेट का कराना चाहिए, जिससे आप जान सकते हैं कि आपके गॉल ब्लैडर या फिर किडनी में कोई स्टोन तो नहीं है या फिर आपके पेट में कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। इसमें CBC से हम ये जान पाते हैं कि हमारा ब्लड कितना है और हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। LFT से हम अपने लीवर के बारे में जान पाते हैं। KFT से हम अपनी किडनी के बारे में जान पाते हैं। फास्टिंग से हम ये जान पाते हैं कि हमें डायबिटीज या फिर शुगर तो नहीं है। NTSS से हम ये जान पाते हैं कि हमें थायराइड तो नहीं है। होल एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड से हम ये जान पाते हैं कि हमारे किडनी में या फिर हमारे गॉल ब्लैडर में कोई पथरी तो नहीं है या फिर इसके अलावा हमारे पेट में और कोई समस्या तो नहीं है। अब बात करते हैं हम ऐसे लोगों के बारे में जो कि अपने हेल्थ पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और जिनका वेट भी काफी बढ़ा हुआ रहता है। तो ऐसे लोगों को हर 3 महीने बाद अपने बॉडी का चेकअप कराना चाहिए। तो इसके लिए भी आप सेम टेस्ट करा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, यहाँ पर हमने केवल ऐसे लोगों की बात की है जिनकी उम्र 30 साल से ऊपर है, क्योंकि जो ज्यादातर बीमारी होती है वो 30 साल की उम्र के बाद ही होती है। और नंबर 2, जब आप पहली बार अल्ट्रासाउंड कराते हैं और आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं मिलती है तो आपको दूसरा अल्ट्रासाउंड जल्दी नहीं कराना चाहिए, क्योंकि ज्यादा अल्ट्रासाउंड हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। आप अल्ट्रासाउंड 2-3 साल में एक बार करा सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। इसके अलावा यदि आपको कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन रहता है या फिर आप अपने टेस्ट की रिपोर्ट हमें दिखाना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमने अपना व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच।